एवरीवन, माय नेम इज अमोल मोरे एंड वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे। तो आज हम एनटीए की टेस्ट नंबर 23 से पैराबोला का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट द लाइंस L1 एंड L2 बी दी नॉर्मल्स टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वो जो सेम लाइन से वो टेंजेंट से x स्क्वायर इक्वल टू -12y को एंड L1 L2 में से कोई भी x एक्सिस नहीं है। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स ऑफ L1 एंड L2 निकालना है, मतलब पॉजिटिव आंसर देना है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज y स्क्वायर इक्वल टू 4x का नॉर्मल स्लोप फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लेता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ। तो आपको चौका a मिलेगा 4 और आपको इक्का a मिलेगा 1। ठीक है, a का वैल्यू आपका आ गया है, सही बात है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx -2am -am³। सही है, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बट a का वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू mx -2m -m³ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म ने हमने लिख लिया। ठीक है, ये है नॉर्मल का इक्वेशन। तो अभी दूसरा पैराबोला जो है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। ओके, तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो कंपेयर करेंगे तो 4a आएगा -12 और अपना a आ जाएगा -3। अभी उन्होंने कहा है कि इसको टेंजेंट है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एंड टेंजेंट्स टू मतलब इसको टेंजेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका है ना हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो इसका टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, आप स्लोप फॉर्म भी लिख सकते हो, पैरामेट्रिक भी लिख सकते हो, जो भी याद रहेगा वो लिख सकते हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिख देता हूं। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही आसान होता है, tx इज इक्वल टू y प्लस at² ये होता है इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपका tx क्या हो जाएगा, y और a की जगह तो -3 है, -3t². तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, tx प्लस 3t². तो इसको भी मैं ऐसे रेड बॉक्स कर देता हूं। तो एक्चुअली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, बिकॉज ये वाली इक्वेशन पैराबोला को नॉर्मल है पहले वाले, और सेम इक्वेशन दूसरे पैराबोला को टेंजेंट है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एम है यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे टी है, इसका मतलब एम इज इक्वल टू टी, ये अपने को मिल गया। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं सो दैट ये बेटर समझेगा आपको, m इज इक्वल टू t मिल गया। कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन की है। और दूसरा मिल रहा है कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट है 3t² और यहां पे है -2m -m³। तो वो भी लिख देता हूं, -2m -m³ इज इक्वल टू 3t², ये मिल गया। अभी हमें निकालना क्या है, m का वैल्यूज निकालना है ना, बट m और t तो अपना सेम ही है, तो t की जगह m डाल दो। तो -2m -m³ इक्वल टू 3 times m² हो जाएगा। सब कुछ एक साइड लेके जाता हूँ, m³ प्लस 3m² प्लस 2m इक्वल्स 0। तो यहाँ पे m कॉमन ले लिया तो आ जाएगा m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स 0। तो इसको फैक्टराइज कर देंगे तो m प्लस 2 आएगा और m प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो m के हमें तीन वैल्यू मिलेंगे ना, एक आएगा 0 इसकी वजह से, एक आएगा -1 इसकी वजह से, और एक आएगा -2 इसकी वजह से। तो m कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि 0 तो स्लोप ऑफ x एक्सिस होता है और क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है कि नॉट x एक्सिस, ये देखो यहां पे लिखा है नॉट x एक्सिस। ठीक है, तो इसी की वजह से मैं m 0 नहीं ले रहा।
तो अपना m क्या आ गया -1 और -2। तो बेसिकली अपने स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 आप ले लो -1 एंड स्लोप ऑफ L2 क्या ले लोगे आप -2, और इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं -1 -2, और एब्सोल्यूट बोला है तो मॉड लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -1 + 2 और ये हो जाएगा mod of 1। तो डिफरेंस ऑफ स्लोप्स कितना आ गया बॉस 1। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्लोप्स देखते हैं ऑप्शन में क्या है 1, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो मैच कर रेला है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक और कॉमेंट कीजिएगा, एंड कमेंट करने के बाद इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैथ्स के मजे लीजिएगा। सो दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू फॉर नाउ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।